शायद ही कोई लोकतंत्र में बोलता होगा। और अगर इनके नेताओं के आप भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था नहीं कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और जब खाद लेने गए थे आप तो बताओ खाद मिली क्या आपको? न डीएपी दे पाए और खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बीजेपी के लोग 5 किलो की चोरी कहां से सीखे होंगे। कभी आपने पार्ले जी का बिस्किट देखा है? पहले इतना बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाया बिस्किट बैटर छोटा हो गया। छोटा है कि नहीं है? याद रखना किसान भाइयों, अगर ये दोबारा आ गए सरकार में तो 5 किलो तो अभी चोरी कर रहे हैं, बाद में 10 किलो की चोरी करेंगे। और ये लोग जो कह रहे थे कि गरीब हमारा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, याद है कि नहीं? याद है। और जब से ये सरकार में आए हैं सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, रेलवे स्टेशन की सब कीमती जमीनें और रेलवे स्टेशन बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। बताओ बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और ये इसलिए बेच दिया, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब सब बिक जाएगा तो बताओ नौकरी और रोजगार कौन देगा? कौन देगा नौकरी और रोजगार? बताओ नौजवान साथियों और हमारे बीएड टेट वाले 5 साल इंतजार करते रहे कि नहीं करते रहे? अब और तो इंतजार नहीं करोगे? तो गलती मत करना, हमारा संकल्प पत्र पढ़ लिया, हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया, समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट के लोगों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और सब आप लोग गांव से आए हैं, ये बीजेपी के लोगों ने पिछले 3 साल से बताओ हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी कि नहीं कर दी? पढ़ाई बर्बाद हो गई, पढ़ाई नहीं हो पा रही। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा काम करते रहे, 24 घंटा काम करते रहे, जाने कौन सी मलाई खाते रहे। 11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख पद खाली है सरकार के। और सबसे ज्यादा अगर पद कहीं खाली है तो हमारे शिक्षा विभाग में खाली है। इसलिए बीएड टेट को तो समायोजित करेंगे ही करेंगे, अपने शिक्षा मित्रों को भी हम मदद करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्र भाइयों, बताओ आपकी मदद की थी समाजवादियों ने कि नहीं की थी? ये धोखे में आ गए बीजेपी की में, इन्हें भरोसा था कि बीजेपी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया?
समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने शिक्षा मित्रों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बीपीएड वाले कहां तक लड़े? सुप्रीम कोर्ट तक। बताओ, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़नी पड़ी कि नहीं? आपकी मदद हम लोग कर रहे थे कि नहीं? बीपीएड वालों को भी कहां समाजवादियों ने नौकरी निकाली थी? तब से आज तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इसलिए आपकी मदद करने का काम और आपको नौकरी देने का काम समाजवादियों की सरकार में होगा। और अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारे ये नौजवान बूढ़े हो जाएंगे। बताओ, उम्र बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब शिक्षा मित्रों को तो कोई नौकरी देने वाला नहीं है। अगर कोई मदद करेगा तो समाजवादी लोग मदद करेंगे आपकी, कम से कम आपको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, इनकी इधर आपने इधर चेहरा देखा उनका कि नहीं देखा? बताओ, 12 बज गए कि नहीं बज गए? वो हमें कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पे नजर रखी हुई है कि वो क्या कर रहे हैं आजकल। आजकल शाम को वहां पे धुआं उड़ता दिखाई देता है, और अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बताया कि अब उनको रात में नींद नहीं आती है, और उठ उठ करके वो धुआं मांग रहे हैं आजकल। अभी हमने पुताई वाले जाते देखे मुख्यमंत्री आवास के पास। मैंने पूछा कि ये पुताई वाले क्यों जा रहे हैं, तो लोगों ने बताया और पुताई वालों ने कि वहां पर जो धुएं के काले धब्बे लगे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ, बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने टिकट बुक करा ली कि नहीं करा ली? और अब तो गाना भी बन गया उन पे, गाना जो बना है यूपी में काबा, इधर किसी ने गाना भी बना दिया। जब से उन्होंने गोरखपुर की टिकट बुक की है, यूपी में काबा, बाय बाय बाबा बा, होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 69,000 वालों, और लाठी तो नहीं खाओगे? हमारे 69,000 वालों, अब तो नहीं लाठी खानी है। मैं समझता हूं इनसे ज्यादा लाठी और लड़ने का काम सरकार से किसी ने नहीं किया। ये लड़ते रहे, और सरकार ने इन्हें पूछा नहीं, घोटाला हो गया, इनके आरक्षण में घोटाला हो गया। इसलिए 69,000 वालों, समाजवादियों ने कई बार आपकी मदद की है, इस बार आप बूथ पे मदद करो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। बताओ, मदद करोगे? ये 69,000 वालों, अपना बूथ हराओगे नहीं कि नहीं हराओगे? इधर बीजेपी के एक नेता जो घर घर जा रहे थे प्रचार करने, जब चुनाव शुरू हुआ तो डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, घर घर जाके प्रचार हो रहा था, और आपने देखा होगा कि कोई पर्चे बांट रहा था कि थूक बांट रहा था। और जब से माताओं बहनों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिए लाल वाले, तब से इनका घर जाकर के प्रचार बंद हो गया कि नहीं हो गया?
और एक बात जो लैपटॉप वाली बात है, बताओ लैपटॉप वाली बात सुनकर के जनता लोटपोट हो जा रही कि नहीं हो पा रही? बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा जो इंटर पास करने के बाद 12वें में दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वां पढ़ने जाएगा हम उसे लैपटॉप देंगे। लखनऊ में तो बहुत लैपटॉप बढ़ गए, जलालपुर में लैपटॉप नहीं मिला बाबा जी वाला, बाबा जी वहां बांट रहे थे, आपको नहीं दिया उन्होंने। और ये स्मार्टफोन जो हमें दिखाई दे रहे हैं कहीं ये और अब आपको ले चलेंगे देवरिया।